जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको तंत्र से संबंधित ज्ञान दिया जा रहा है। हम कई बार जीवन में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बहुत से घरों में जाकर के अनुष्ठान किए, फैक्ट्री में जाकर के अनुष्ठान किए, गोडाउन में जाकर के अनुष्ठान किए, बड़े बड़े घरों में जाकर के अनुष्ठान किए, और यहाँ तक कि शमशान में बैठ के भी अनुष्ठान किए और आज भी करते रहते हैं। हमारे साथ में एक टीम होती है तो हम कई बार हमारी टीम के मेंबर बीमार हो जाते हैं, तो हम सबसे ये कहते हैं कि जिस घर में, जिस फैक्ट्री में, जिस गोडाउन में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होगी, वह किसी न किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ती है और उसको अटैक करके उसको बीमार कर देती है कि अनुष्ठान पूरा न हो। इसलिए हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि कोई भी अनुष्ठान करें या कोई भी किसी का उतारे का काम करें तो पहले स्थान को कीलना चाहिए, फिर जिस आसन पर बैठ के आप उतारा करते हैं उसका आसन का बंधन करना चाहिए, उसके बाद उतारे का कोई काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत से मनुष्य अपने घर परिवार वालों का उतारा करता है, और मनुष्य उतारा करने वाला मनुष्य यदि कमज़ोर है, अशुद्ध है, अपवित्र है, तो वो उसकी चीज़ जिसका उतारा कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर चिपक जाती जो उतारा करता है। इसलिए रक्षा कवच साथ में रखना चाहिए और अपनी स्वयं की सुरक्षा की रक्षा का मंत्र सिद्ध करके रखना चाहिए, आसन की रक्षा का मंत्र सिद्ध करके रखना चाहिए, स्थान को कीलने का मंत्र आपको याद आना चाहिए, ताकि ये सब क्रिया करने के बाद ही आपको किसी का उतारा करना है या किसी के अनुष्ठान करना चाहिए। कई बार पंडित जी लोग को ये ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो तंत्र से अनभिज्ञ होते हैं, तो वो तो वैदिक पूजा करते हैं, तो वो जाते से ही वैदिक पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही पूजा करना प्रारंभ होती है ये शक्तियाँ छटपटाने लगती हैं और देखती है कि कौन इसमें कमज़ोर व्यक्ति है जिसके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। जिसका ग्रह नक्षत्र खराब होने का मतलब हो गया उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, या फिर कोई ब्राह्मण, कोई वीपुरवर अशुद्ध अवस्था में वो पूजा पाठ करता है, नियम धर्म का पालन नहीं करता है, गायत्री की माला नहीं करता है, त्रिसंध्या नहीं करता है, और यदि वह व्यक्ति उस जगह जहाँ पर तंत्रात्मक नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पे वो पूजा पाठ करने लगता है, मंत्र जप करने लगता है, हवन कराने लगता है या वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें पहले दिन तो चलता है पर दूसरे या तीसरे दिन से कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। या तो उसका पेट में दर्द होने लग जाएगा, उसको दस्त लग जाएगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, और कई बार तो टाइफाइड हो जाता है। बिल्कुल अच्छा खासा ब्राह्मण विप्रवर अचानक से बीमार पड़ जाता है और वो अनुष्ठान में बैठ नहीं पाता, ऐसी उसकी हालत हो जाती, हाथ पैर टूटने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं तुरंत कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पे गलती की है, इसलिए यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा ने उसको दबोच लिया। तो जब भी कोई भी अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, जप तप करें, तो बहुत से मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है, तो घर परिवार वाले ही किसी के सलाह पर कि यार मेरी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है उसके लिए क्या करूं, तो कोई सलाह देने वाले बहुत बैठे हुए हैं, अरे तुम बजरंग बाण का पाठ कर लो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, दुर्गा सप्तशती का हवन करवा लो, तो वो अनेक प्रकार से जितने व्यक्ति उतनी मुँह उतनी बातें, तो वो जैसा बताते हैं जो उसकी क्षमता में होता है वो करने लगता है। और जब इस प्रकार से अनुष्ठान में व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अनुष्ठान फेल होने की संभावना हो जाती है, और उनका नेगेटिव एनर्जी का काम ही यही होता है कि वो इस अनुष्ठान को असफल कर दे,
ताकि उनको उस घर से, उस इंडस्ट्री से, उस फैक्ट्री से, उस कार्यस्थल से, उस व्यवसाय जगह से या उस घर से भागना नहीं पड़े। तो ऐसे कई वाक्य हमने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे देखे हैं। कई बार अनुष्ठान भी कर रहे हैं, किसी देवी जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी अच्छे जगह बैठ करके कर रहे हैं, तो भी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती और वो अनुष्ठान का ठेका ले लेते हैं और अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं, तो भी उनकी इनविजिबल पावर इतनी नहीं होती है कि वो उस अनुष्ठान के पावर को झेल सके और यजमान को ट्रांसफर कर सके। तो भी पाठ करने वाला मनुष्य या हवन करने वाला मनुष्य या उनके लिए जप तप करने वाला मनुष्य बीमार हो जाता है। तो मेरे ऐसे अनुष्ठान करने वाले सभी विप्रवर से, सभी ब्राह्मणों से, शास्त्रियों से या फिर तांत्रिक पूजा के पुजारी के साथ में रहने वाले, मतलब तांत्रिकों के साथ रहने वाले ब्राह्मणों से यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वह पहले अपने आप को कवच के रूप में तैयार करें, पहले कवच पढ़ें, कवच का अनुष्ठान करें, कवच के रूप में गले में कोई ना कोई चीज धारण करें ताकि उनको बीमार नहीं पड़े और उन सामने वाले व्यक्ति का जिसका संकल्प लिया है उसका अनुष्ठान पूरा हो सके। जय माता दी, जय माँ का मख्या।